तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम अपने व्हाट्सएप की अलर्ट से इनको कैसे ऑफ कर सकते हैं, कैसे छिपा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है गाइस कि मान लो कि मैं ऑनलाइन हूँ, व्हाट्सएप को ओपन करके अपने दोस्तों से या किसी पर्सनल फ्रेंड से जो कि बात कर रहा हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उसी को ऑनलाइन शो करूँ, और बाकी के जो मेरे फ्रेंड है उन्हें ऑनलाइन में ना शो करूँ, मतलब उन सभी को लगे कि बंदा ऑफलाइन है, व्हाट्सएप इसने ओपन नहीं किया है। तो हाँ गाइस, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप अपनी अलर्ट से इनको एकदम से छिपा सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन फीचर्स को एकदम से हाइड कर सकते हैं। वो कैसे, तो बस आपकी इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप की अलर्ट को कैसे छिपा सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन है तो हम उसे कैसे छिपा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना होता है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे चले जाना है, और यहाँ से आपको डायरेक्टली अकाउंट पे जाके आपको यहाँ से प्राइवेसी जो ऑप्शन मिलता है उसमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो ऑप्शन मिलता है, ये बटन मिलेगा गाइस, ये जो बटन मिलता है आपको, देखिए गाइस, ये बटन को आपको क्लिक करके इसे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आपको यहाँ से इसे बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको फिर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन का नाम है जीबी चैट ऑफ, ठीक है गाइस। तो इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेक कर लेना। अब जैसे कि मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कुछ इस तरह इंटरफेस मिलेगा। तो आपको इसे राइट स्वाइप कर देना है, और यहाँ से आपको ग्रांट परमिशन का जो ऑप्शन मिलता है आप इसमें क्लिक करके आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन में परमिशन देना है और परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से आपको एक परमिशन देना होगा। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस तरह ऑप्शन पे आ जाएंगे, और यहाँ से आपको जीबी चैट आपका जो ऑप्शन डिसेबल दिखेगा आप इसे इनेबल करके यहाँ से परमिशन ओके कर दीजिए। अब गाइस देखो, मैंने इसे ऑन कर दिया, तो मैं यहाँ से इसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आप गाइस देखो क्या करना है, आपको यहाँ से इसे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक एड्स आ सकता है, तो एड्स को आपको स्किप कर देना है। तो स्किप करने के बाद यहाँ से आपको लेट्स गो का परमिशन दिखेगा, तो आप इसमें क्लिक करके यहाँ से परमिशन अलाउ करें। अलाउ करने के बाद यहाँ से देखो कुछ आपको बोला जा रहा है कि परचेज वगैरह करना है या नहीं, तो आप यहाँ से लेटर पे क्लिक कर देना। और लेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह ऑप्शन मिलता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कॉन्टेक्ट को चूज करना होता है, जिससे कि दोस्तों आप डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप के फ्रेंड से यहीं से बात करना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ से डायरेक्टली क्या होता है कि मैं अपने दोस्तों से यहीं से बात कर सकता हूँ और व्हाट्सएप में मुझे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इससे सामने वालों को मेरा लास्ट सीन एकदम से ऑफ ही दिखेगा। अगर वो मुझे मैसेजेस भी करेंगे ना गाइस, तो भी उसको नहीं लगेगा कि बंदा व्हाट्सएप पे बिजी है। बाकी मैं यहाँ से अपने दोस्तों से, अपने जी अब किसी से मतलब बात कर रहा हूँ ना, आराम से कर सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं ऑनलाइन हूँ। तो काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है, काफ़ी बेहतरीन ट्रिक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।